तो आज का जो मेन टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब वीडियो बहुत छोटा होगा मगर वैल्यूएबल होगा। बहुत सारे बच्चे आईएलएस करते हैं, टास्क टू अच्छा चलता है मगर प्रॉब्लम आती है टास्क वन में। मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि आईएलएस को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर ट्रेनर और जो मेंटर और मेंटी दोनों चाहें। मतलब ट्रेनर और ट्रेनी, जो पढ़ाने वाला हो वो अच्छे से पढ़ाए मगर पढ़ने वाला हो वो भी तो अच्छे से पढ़े ना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टास्क वन एकेडमिक का उसके थ्री बैंड्स को होते हैं। कितने होते हैं? थ्री। मेरी टीचिंग में आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि आप कैसे टास्क वन में थ्री आउट ऑफ थ्री कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, आईएलएस में एकेडमिक में जो टास्क वन की टाइप्स होती हैं वो टोटल होती हैं सेवन। सात तरीके की इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार हो गया, पाई, टेबल, प्रोसेस डायग्राम एंड सो ऑन, जैसे भी होता है। मैं आप सबको बताऊं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप किसी एक टाइप को, जी हाँ, अगर आप किसी एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हो ना, सभी की सभी टाइप्स बिल्कुल सेम होती हैं। मैं किसी बच्चे को डरा के नहीं पढ़ाता, मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि ये तो बहुत टफ है, तू नहीं कर पाएगा। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि आज के बाद कभी भी आपको टास्क वन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस अगर आप ऐड करोगे तो आपके बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो अगर मैं आपको बताऊं, स्टेटमेंट ये है मेरे पास। स्टेटमेंट क्या कहती है? द डायग्राम शोज द प्रोसेस बाई विच मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जो डायग्राम है वो आज आपके सामने ये शो कर रहा है कि कैसे मिल्क और मिल्क से जुड़े जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में ये टॉक है। और जो डायग्राम है हमारे पास कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। डायग्राम में मैंने क्या है कि काउज ग्रेजिंग हो रहा है, मतलब काउ है वो घास को चर रही है। दो बार मिल्किंग की जाती है, मतलब दिन में दो बार उसका दूध है जो निकाला जाता है। और उसके बाद रेफ्रिजरेशन है, उसका स्टोरेज है वो किया जा रहा है। देन क्या हो गया, मिल्क टैंकर है जो डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, डायरी में पहुंच चुका है। उसके बाद यहाँ पे भी दो रास्ते निकल चुके हैं, एक से चीज, क्रीम और बटर बन चुका है, दूसरे से जो मिल्क है उसको पेस्टराइज किया और उसको पैक कर दिया बॉटल्स में। देन क्या हो गया, सुपरमार्केट्स में हम उसको लेके जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, ये देखो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर एट। मेरे पास क्या है, एट मेरे पास स्टेप्स हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका स्ट्रक्चर। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि राइटिंग टास्क वन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर वन पे इंट्रोडक्शन होता है, नंबर टू पे वीपी वन, वीपी टू और लास्ट पे ओवरऑल। टास्क वन कोई भी हो, ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करोगे आप कभी भी फेल नहीं होगे। जी हाँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी वन, बॉडी टू और ओवरऑल आपने लिखना है, वो भी लास्ट पे। कभी भी ओवरऑल को आपने यहां पर नहीं लिखना, आप गलत हो जाओगे। तो ओवरऑल आपका कहां पे आ गया, यहां पे। तो इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन का सबसे अच्छा रूल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट ये रही। स्टेटमेंट में क्या है, और एक बात याद रखना, अगर आप एक इंट्रोडक्शन सीखे तो सभी की इंट्रोडक्शन सेम ही होती है, डरने का नहीं है। तो सबसे अच्छी बात आपको सिखाता हूं। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायग्राम, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोल दिया ओके द डायग्राम। अगर यहाँ पे द पाई चार्ट होता तो मैं पाई चार्ट लिखता, द टेबल होता मैं टेबल लिखता। मतलब आपने कभी भी जो डायग्राम है तो मैंने उसको डायग्राम ही लिखा, नाम को चेंज नहीं करना, ये रूल नंबर वन। और दूसरा रूल नंबर मेरे पास क्या है, आपको बता दो दूसरा रूल नंबर क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है शोज, तो शोज का सनोनिम क्या है, शोज का मैंने सनोनिम यूज किया है डिपिक्स। कोई बच्चा इलुस्ट्रेट्स भी कर सकता है, कोई रिप्रेजेंट्स भी कर सकता है, कोई प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट भी कर सकता है। आपको जिसके स्पेलिंग आते हैं आप बस वो लिखो, फालतू मत जाओ,
ठीक है, उसने बोला द प्रोसेस। तो मैंने क्या डिपिक्स के बाद ना शोज का जो हम सिनोनिम लिखते हैं डिपिक्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हम ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से। अगर आप रिप्रेजेंट्स भी लिखते हैं तो उसके बाद हमने लिखना होता है द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये अच्छा लगता है यहाँ पे। उसके बाद यह हुआ है द प्रोसेस, तो मैंने क्या किया द प्रोसीजर, तो ये सिनोनिम हो गया ना। जिस जिसका आपको सिनोनिम आता है आप उसका लिखते जाओ, जितने सिनोनिम लिखोगे उतना स्कोर आएगा। बाय विच मिल्क, बाय विच मिल्क, मेरे को इसका सिनोनिम नहीं आता था तो मैंने इसको सेम लिख दिया। एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड रिलेटेड गुड्स, अरे प्रोडक्ट्स भी तो गुड्स होती है ना, गुड्स चीजें होती हैं। यहां पे लिखा हुआ है आर प्रोड्यूस्ड, मैंने लिखा आर मैन्युफैक्चर, जो भी जितने भी मेरे को सिनोनिम आए। देखो मैंने क्या किया, शोज का मेरे को सिनोनिम आता था डिपिक्स, मैंने यहां पे लिख दिया। प्रोसेस का सिनोनिम मेरे को आता था प्रोसीजर, यहां पे मैंने लिख दिया। प्रोडक्ट्स का सिनोनिम मेरे को आता था गुड्स, मैंने यहां पे लिख दिया। प्रोड्यूस्ड का मेरे को सिनोनिम आता था मैन्युफैक्चर। बस आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, जिस जिसका आपको सिनोनिम आता है आपने उसका लिखना है, और जिसका सिनोनिम आपको नहीं आता आपने उसको नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मिल्क था तो मेरे को मिल्क का सिनोनिम नहीं पता था तो डायरेक्ट मैंने मिल्क भी लिख दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंट्रोडक्शन हमारी होगी हाफ बैंड की। तो उसके बाद क्या है, ये रहा प्रोसीजर। तो मैंने डिवाइड कर लेना है, अपनी मर्जी है कि अगर इसको 8 है मान लो, 4 को मैं बॉडी 1 में लिख दूंगा, 4 को मैं बॉडी 2 में लिख दूंगा। अगर आप बाय मिस्टेक एग्जाम में 3 को एक बॉडी में लिख दिया और 5 को बॉडी 2 में लिख दिया, गलत कुछ नहीं होता। तो आइए मैं आपको कैसे समझाता हूं कि स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कैसे लिखा। तो सबसे पहला मैंने जो स्टेप किया वो क्या था मेरे लिए, आइए मैं आपको शो करता हूं बॉडी 1। तो बॉडी 1 में मैं आपको साथ में पिक्चराइज भी करता रहूंगा इसको, दैट्स ओके। तो दैट्स ओके यहां पर, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया बॉडी 1 को। फर्स्टली जब मैं शुरू करता हूं तो मैं एक लाइन लिखता हूं हमेशा, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट। जब भी आप अपना राइटिंग टास्क 1 लिखते हो तो ये लाइन आपने ऐड कर देनी है। तो सबसे पहला क्या हुआ, इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में ग्रास इज ग्रेज्ड बाय द काउज। ये देखिए मैंने पैसिव में यूज किया है, जो घास है वो काउज के द्वारा ग्रेज किया जा रहा है, खाया जा रहा है। ये देखिए मतलब क्या हो गया कि मैंने अपने फर्स्ट स्टेप में जो काउज ग्रेजिंग है तो मैंने बोल दिया कि जो ग्रास है वो ग्रेज्ड किया जा रहा है काउज की तरफ से, मतलब मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। तो दूसरे स्टेप में मैंने क्या कर रहे हैं, मिल्किंग मशीन ट्वाइस अ डे। ओके, जो मिल्किंग हो रही है, जो धारे निकाल रहे हैं उसकी, तो मैंने क्या लिखा, इन सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में मिल्क मशीन इज यूज्ड, जो मिल्क की मशीन है उसको यूज किया जा रहा है, टू टेक मिल्क फ्रॉम काउज, काउज से मिल्क निकालने के लिए, इन ट्वाइस अ डे। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले पहले स्टेप में क्या था, जो काउ थी वो घास को खा रही थी, और दूसरे स्टेप में क्या हो गया, मशीन की हेल्प से दूध निकाला जा रहा है ट्वाइस अ डे। ओके, इन थर्ड स्टेप में हम देखें पहले क्या हो रहा है, ओके, रेफ्रिजरेशन स्टोरेज। ओके, मतलब क्या हो गया कि जो दूध है उसको रेफ्रिजरेशन में रखा जा रहा है। आफ्टर द यूजेज ऑफ मिल्किंग मशीन, जो मिल्किंग मशीन है उसका यूज करने के बाद, मिल्क इज स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स इन अ परफेक्ट टेम्परेचर। वेरी गुड, मतलब क्या हो गया, जो दूध निकालने के बाद जो मिल्क है उसको स्टोर किया गया है रेफ्रिजरेटर्स में एक परफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर। मतलब मैंने बॉडी 1 में 3 स्टेप्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, मतलब पहले में काउज, इन फर्स्ट स्टेप, इन सेकंड स्टेप, और इन थर्ड स्टेप। चलो बारी आती है अब नेक्स्ट बॉडी में करते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, जो मिल्क टैंकर है वो डिलीवरी कहां पे लेके जा रहे हैं, डायरी में लेके जा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो बॉडी 2 को शुरू करने के लिए आपने क्या करना है, ये रहा। तो बॉडी 2 के लिए मैंने कनेक्टर यूज करते हैं यहाँ पे, द डायग्राम फर्दर कोलेट सेट। अगर यहाँ पे पाई चार्ट होता, अगर टेबल होता, कोई भी होता, फर्दर कोलेट सेट हम लिखते ही लिखते हैं। इन द फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रक टू डायरी। देखो जो मिल्क है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहां पे, डायरी में उसको लेके जा रहे हैं।
ये देखिए मैंने ना दोनों स्टेप्स को क्या किया, एक बार में लिख दिया। ये देखिए एरा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है मिल्क को, और कहां पे लेके जा रहे हैं वो डायरी में, मैंने दोनों स्टेप को एक तरफ से लिख दिया। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, चीज क्रीम एंड बटर निकाला जा रहा है उसमें से। हाँ चलो देखते हैं, तो मैंने क्या लिखा, वेयर चीज क्रीम एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से ये वाली चीजें हैं वो बन रही हैं। इन नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या हुआ, मिल्क इज पेस्टराइज्ड इक्वली एंड पैक्ड। ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि मिल्क है जो वो पेस्टराइज किया गया इक्वली, मतलब कि हर एक बॉटल में सेम मतलब क्वांटिटी में वो डाला गया और उसको पैक किया गया, और लास्ट पे क्या हो, सुपरमार्केट्स और शॉप्स में उसको भेजा गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं, ये देखिए लास्ट पे क्या हो गया, फाइनली क्या हो रहा है, जो मिल्क इज सेंट टू सुपरमार्केट्स, जो मिल्क है सुपरमार्केट्स में भेजा जा रहा है, एंड शॉप्स फॉर सेलिंग, मतलब बेचने के लिए उसको वहां पे भेजा गया। आप ये देखिए कि मैंने बॉडी वन में पहले तीन स्टेप डाले और बॉडी टू में मैंने ये नेक्स्ट स्टेप डाल दिए। तो आइए इसका ओवरऑल करते हैं। ओवरऑल करने के लिए आप इनको काउंट कर लीजिए, मैंने एट स्टेप से उनको काउंट किया। तो मैंने इसका ओवरऑल कैसे लिखा, आप यहां पे देख सकते हो, ओवरऑल के बाद मैंने डाला कॉमा, देयर आर एट स्टेप्स, वहां पे एट स्टेप्स थे, विच आर यूज टू मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क, मतलब एट स्टेप्स हैं जो यूज किए गए हैं मिल्क को, मतलब मिल्क से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए। उसके बाद ये लाइन ना हम हर एक डायग्राम में यूज करते हैं, ऑल द स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ये तो सभी डायग्राम में आप यूज कर सकते हो कि सारे के सारे स्टेप्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ओमिशन ऑफ एनी स्टेप मे हाल्ट द होल डायग्राम, ओमिशन क्या होता है, अगर आप किसी भी स्टेप को छोड़ देते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा, उसमें जो प्रॉब्लम आ जाएगी। बस आपने बात खत्म, सबसे पहले स्टेप्स गिन लेने हैं कितने हैं। ओवरऑल देयर आर इतने स्टेप्स हैं जो काम करने के लिए, ऑल द स्टेप्स हैं वो डेफिनेटली इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, अगर ओमिशन किया आपने किसी भी स्टेप का तो डायग्राम है वो खराब हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको यहां पे बताऊं, तो मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बनाया रिफ्रेश से, फिर बॉडी वन, फिर बॉडी टू, और लास्ट पे हमारा ओवरऑल। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप टास्क वन करते हो, टास्क वन में आपको ये चाहिए, सननियम से आप रिफ्रेश करके इंट्रोडक्शन को यूज करते हो, बॉडी वन और बॉडी टू को डेटा जो भी आप अपनी मर्जी से, जैसे डायग्राम में इन फर्स्ट स्टेप इन सेकंड स्टेप आप ऐसे ऐसे लिखते हो, सेंटेंसेस आपके अच्छे होने चाहिए, राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, और लास्ट पे आप ओवरऑल कर दीजिए, 100% आपका 3 में से टास्क वन में 3 बैंड स्कोर आ जाएगा, और आप अपनी मर्जी से अपना जो अच्छा स्कोर है वो गेट कर सकते हो। देखो प्लस टू के बच्चे की रिक्वायरमेंट तो 6 ईच होती है, अरे बच्चे आप जितना ऊपर स्कोर लेके जाओगे आपको फीस में उतना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा मिला, आज के बाद डायग्राम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक मेरा जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। अगर पढ़ाते वक्त मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है तो मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने और वीडियोस भी लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बने रहिए रमन आईएएस के साथ।